डायरेक्शन रोहान की, स्टोरी मेरी. नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन. और कैसे नहीं मानेगा, ऑफिशियल फियांसे है मेरा. कॉल करके पूछती हूँ किधर. माहम. हेलो माहम. हाँ दानिया, हम तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है, तुम बाहर आ जाओ. ओके ओके, चलो मैं रेडी होती हूँ. मैं रेडी होती हूँ. ओके बाय बाय बाय. गाइज, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा. आई डोंट थिंक वो मानेगा, क्योंकि उसने बाबा तक को मना कर दिया है. मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बात को मना नहीं करेगा. अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा ये आइडिया कब चेंज हुआ है? तुमने तो शॉपिंग मॉल बनाना था, तुम सिनेमा हॉल क्यों बना रही हो? आई थिंक हमेशा दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते. आई थिंक प्रॉब्लम इधर से शुरू हुई, मैं बदली तो वो भी बदल गया. तो तुमने मतलब आपने अपने आप को दानिश के लिए बदला था? मैंने सिर्फ अपने आप को आजमा कर देखा है. जिद तोड़ देने से ना सिर्फ आपकी ईगो हर्ट होती है और कुछ नहीं होता. हाँ बोला करें ये बात दानिश को भी समझ आ जाए, वो अपनी जिद छोड़ दे. मैम अगर तुम दानिश को भी ऐसे ही समझाती तो आई एम श्योर वो समझ जाता. कोशिश की थी दानिया, लेकिन आई थिंक उसको मेरी बात समझ नहीं आती. तुम ना भी बोलो ना, उसको तब भी समझ आ जाए. राजू, राजू क्या हुआ? ओह माय गॉड, दानिश तो सिनेमा तो नहीं बेच दिया? वो अभी अंदर सिनेमा ही बेच रहे हैं. चलो गाइस चलो. मैंने सारी चीजें स्पेलिंग दी. सही दानिश, दानिश एक मिनट. दानिया तुम? हाँ मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है. एक मिनट इसको छोड़, सॉरी सर. एक मिनट बात सुनो मेरी. एक मिनट आओ, आ जा, आ जा, सॉरी. एक मिनट. दानिश देखो, दानिश तुमने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए होंगे या हरकतें की होंगी जिसमें बाद में तुमने कुछ रिग्रेट किया होगा या पछताए होगे, राइट? लेकिन वो छोटी छोटी डिसीजंस थे, छोटे मोटे झगड़े थे, उनका तुम्हारी जिंदगी पे कोई इम्पैक्ट नहीं था. वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी. वो दानिया की बात मान गया, अब सिनेमा नहीं बिकेगा. मान गया? छोटे छोटे झगड़े थे, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे पैशन के बारे में है. दिस इज समथिंग यू वॉन्ट टू डू. मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि तुम ये पेपर साइन करके सब पछताओगे. प्लीज डोंट डू इट दानिश. फ्रेडी प्लीज. थैंक यू. हियर यू गो. प्लीज. थैंक यू दानिया, थैंक यू. जावेद साहब आई एम सॉरी. थैंक यू. आई एम सो हैप्पी. यस. वैसे आइडिया किसका था? फ्रेडी. Thank you. So all issues resolved and decided. Yes! Oh! और एक और बात, फ्रेडी की यूनिक आइडिया के मुताबिक तुम्हारी जो पार्किंग की जमीन थी वो मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है? और उस पे जो भी बिल्डिंग बनेगी उसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे तुम्हारे सिनेमा की पार्किंग. Yes! That's amazing. High five. और एक और आइडिया. What? भाई पहले सिर्फ माँ फ्रेडी की कायल थी, अब तो मैं भी हो गया. वाह फ्रेडी, वेरी नाइस, वेरी नाइस. और एक और, हाँ एक और खुशखबरी, मैं अपना बुलडोजर बेच रहा हूँ.
क्योंकि क्योंकि ना रहेगा बुलडोजर और ना टूटेगा सिनेमा। सर